वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम समझना चाहते हैं उस टॉपिक का नेम है हाउ टू ड्रॉ इलास्टिक कर्व्स अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। तो इसमें हमने वेरियस केसेस लिए हैं। जैसे फर्स्ट केस है, ये बीम है, यहाँ पर एक पिन सपोर्ट है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है और ये डब्ल्यू लोड लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे होगा, तो उसको हम लोग कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये लोड लगेगा तो ये बीम जो होगा इस शेप में तो जाएगा, लेकिन इस सपोर्ट की क्वालिटी को देखें तो यहाँ पर इसमें जो है इसमें डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है नीचे की तरफ। ये यहाँ से जा नहीं सकती बीम, यहाँ भी नीचे नहीं जा सकती, लेकिन रोटेशन ये जो दोनों सपोर्ट है रोटेशन को अलाउ करते हैं। तो इसका जो शेप बनेगा कि यहाँ पर ये बीम जो होगी रोटेट तो कर जाएगी, जैसे ये इस शेप में बीम चली जाएगी इस लोड की वजह से, इसका शेप ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रोटेशन तो पॉसिबल है इन दोनों सपोर्ट पर ये जो पॉइंट है ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो सपोर्ट है ये नो डिफ्लेक्शन बट रोटेशन इज़ अलाउड, यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन पॉसिबल, नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी नो डिफ्लेक्शन, ओनली रोटेशन, रोटेशन यहाँ पर भी अलाउ है और रोटेशन यहाँ पर भी अलाउ है, ओनली रोटेशन अलाउ है यहाँ पर। तो इसका ऐसे शेप हो जाता है। अब दूसरा हमने केस लिया है जब यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर डब्ल्यू लोड है, उस लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर इसका जो शेप है, यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर रोटेशन भी अलाउ नहीं है, तो ये जो होगा ये एकदम स्टार्टिंग में स्ट्रेट चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर डिफ्लेक्टेड होगा। तो ये इसका इलास्टिक कर्व, बाद में जब लोड लगता है तो बाद में ये शेप में चला जाता है, इलास्टिक कर्व की ये शेप आती है इस फिक्स सपोर्ट में और रोलर सपोर्ट में। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो होता है ये यहाँ से ही मूव करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग में स्ट्रेट चल रहा है, फिर जा कर के मूव किया है डाउनवर्ड। अभी हम लोग तीसरा केस देखते हैं, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, पूरा यूडीएल लगा हुआ है और एक कहीं भी एक डब्ल्यू लोड भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक ये फिक्स सपोर्ट है, इसका डिफ्लेक्टेड इलास्टिक कर्व कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो रोलर सपोर्ट है ये रोटेशन अलाउबल लेकिन नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी अलाउ नहीं है, रोटेशन भी अलाउ नहीं है। तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप में ये स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट रहेगा, ये यहाँ से ये रोटेशन की वजह से यहाँ से डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा, इसका शेप ऐसे बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेट है फिर ये डाउनवर्ड गया। ये थोड़ा मैंने डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा शो किया है दिखाने के लिए, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता, इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन अलाउ भी नहीं होता है। अब हमारे पास एक और केस है जब दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है, ये बीम है और यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा। इसमें भी फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन नो रोटेशन, यहाँ भी नो डिफ्लेक्शन नो रोटेशन, इसमें ये स्टार्टिंग में स्ट्रेट चलेगा यहाँ पर, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिफ्लेक्टेड कर देंगे। तो ये इसका जब फिक्स सपोर्ट होता है दोनों तरफ तो ये बीम की शेप ऐसे होती है, यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ ऐसे शुरू नहीं हुआ है, ये कर्व ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये स्टार्टिंग में स्ट्रेट है क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है, तो ये यहाँ से रोटेशन को अलाउ नहीं करता है, यहाँ पर फिक्स चलता है, फिर उसके बाद ये लोड की वजह से ऐसे डिफेक्ट होता है। एक और केस लिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट है, ये बीम है, यहाँ पर लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, इसमें कैसे डिफ्लेक्टेड कर्व बनेगा। तो यहाँ लोड की वजह से ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पर ये ओपन ओपन एंड है, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पर ये जब लोड लगेगा फिक्स सपोर्ट नो रोटेशन नो डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर स्ट्रेट चलकर फिर ये डाउनवर्ड जाएगा और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चला गया है, और यहाँ पर इसको यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है जो वापस इस कर्व को इस तरफ बेंड करे, तो ये जो इसका कर्व ऐसे ही बनेगा यहाँ पर, ये इसका फाइनल शेप है रिफ्लेक्टेड शेप, ये ऐसे चला जाएगा। अगर यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट होता पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट तो ये कर्व वापस इस तरफ चला जाता दोबारा से, और अगर ये फिक्स सपोर्ट होता तो ये ऐसे कर इस पहले स्ट्रेट चलता फिर ऐसे जाता, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये फिक्स है और रोलर है तो इसका शेप ऐसे बनेगा। एक और केस लिया है जब यहाँ पर दो रोलर सपोर्ट है और एक फिक्स सपोर्ट है, इसका डिफ्लेक्टेड कर्व कैसे बनेगा। ये लोड की वजह से नीचे जाएगा, यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन बट रोटेशन इज अलाउ, तो यहाँ पर ऐसे ये इसका कर्व ऐसे बनेगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है तो ये कर्व वापस फिक्स की तरफ दोबारा से आता है और यहाँ पर ये स्ट्रेट रहता है, यहाँ पर स्ट्रेट है फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इसका एक और केस हमने, ये इसका आंसर है।
इसके बाद एक और केस हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, जब यहाँ पर ये दो रोलर सपोर्ट लगे हुए हैं और एक और रोलर सपोर्ट है, एक यहाँ पर पिन सपोर्ट है, बीच में यूडीएल है, तो यूडीएल की वजह से यहाँ पर एक ये डिफ्लेक्शन होगा नीचे की तरफ, और इस सपोर्ट पर रोटेशन अलाउ है लेकिन डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है, तो ये इसका कर्व ऐसे बन जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। अब ये जो देखते हैं कि ये कर्व इस पिन की वजह से वापस, अगर ये फ्री एंड होता तो ये कर्व ऊपर चला जाता, ऐसे बन जाता, लेकिन ये यहाँ पर पिन सपोर्ट है तो ये कर्व वापस पिन सपोर्ट की तरफ मुड़ता है और ये ऐसे इसका फाइनल शेप बनती है। ऐसे ही रोलर सपोर्ट है तो ये यहाँ पर रोटेशन यहाँ पर अलाउ, तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ये इसके कर्व की शेप है। अगर ये लोड होगा तो ये वाला जो बीम होगा ये ऐसे डिफ्लेक्टेड शेप में चला जाएगा। ऐसे ही फाइनल एक हमने केस लिया है, जब एक बीम है, एक पिन सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर अगर मोमेंट लगा हुआ है तो इसका शेप कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब ये इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे इस पॉइंट से यहाँ से जिस पॉइंट पे लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट जब इस पर टकराता है, ऐसा सोच लीजिए कि ये ऐसे मोमेंट इस पर गया तो इसकी शेप ऐसे बना दीजिए, और ऐसे ही इस मोमेंट को जो है दोबारा से यहाँ से घुमा करके बाहर से लेकर के आइए और इस बीम पर टकराइए, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, तो ये टकराता है ऐसे, तो ये ऐसे इस जहाँ टकराता है ऐसे बीम को ऊपर कर दीजिए। तो ये इजीएस्ट मेथड है इस शेप का, जो हमें पता नहीं लग रहा था कि मोमेंट लगने से बीम कैसे बेंड होगी, तो जैसे ये मोमेंट यहाँ टकराया है तो इसको ऐसे बेंड कर दीजिए, तो ये वाला जो शेप है ये इसका फाइनल शेप है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बीम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में कैसे इलास्टिक कर्व बनेगा, इसका एक सिंपल वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन है।